नमस्कार मैं अजय सिंह डी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज बात क्लास की क्लास यानी किसी सब्जेक्ट के क्लास की नहीं बल्कि उसकी बात है जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जी हाँ आप ठीक समझ रहे होंगे हम बात कर रहे हैं क्लासरूम की क्लासरूम में आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात किया जाए ये एक सवाल खड़ा हो सकता है लेकिन क्लासरूम का भी अपना एक सिद्धांत होता है क्लासरूम का भी अपना एक मैनेजमेंट होता है वो एक बड़ी बात होती है लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट की जो बात होती है आमतौर पर छोटे बच्चों की क्लास में होती है या प्राइमरी स्कूल में या अपर के जी लोअर के जी में आप मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं लेकिन क्या हायर एजुकेशन में भी क्लासरूम की मैनेजमेंट की बात हो सकती है जहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग जो हैं पढ़ने के लिए आते हों क्या वहाँ बात हो सकती है ये एक सवाल है इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और इसे समझाने के लिए हमारे बीच में जो हैं वो डी पीजी कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर सत्य गोपाल जी हैं हमारे बीच में सत्य गोपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नहीं है और आज के इस टॉपिक में हम ये जानना या समझना चाहते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि हायर एजुकेशन का जो चीज़ें होती है उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आमतौर पर अगर किसी से कहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है या क्या क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो आमतौर पर लोगों को नहीं में आता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को बताने के लिए हायर एजुकेशन में भी क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत है इसकी शुरुआत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल से होती है यदि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या प्रोफेसर के पास क्लासरूम मैनेजमेंट ना हो तो ऐसे प्रोफेसर या टीचर्स अपने स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी नॉलेज नहीं दे पाएगा वह डिग्री तो दे देता है और स्टूडेंट डिग्री भी ले लेंगे पर वो नॉलेज नहीं दे पाएगा नॉलेज और डिग्री दोनों दो चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट को एक प्लानिंग वे में जो भी वर्क देना है और एक प्रोडक्टिव नॉलेज देना है तो उसके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और इसी में स्टूडेंट का फ्यूचर भी कैद होता है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइज्ड स्किल्स की बात हम करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि हायर एजुकेशन के ज़रूरी है जैसे कि लर्निंग मटेरियल्स ये लर्निंग मटेरियल्स भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं जो हम बच्चों को कभी कभी डिनाई कर देते हैं तो लर्निंग मटेरियल्स के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर यदि कोई हायर एजुकेशन का टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करता है तो वह बच्चों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होता है और इसके लिए जरूरत है कि जब इस तरह के इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो क्लासरूम मैनेज होगा यदि इस तरह के इंटरेस्ट ना हो तो क्लासरूम मैनेज नहीं होता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्लासरूम मैनेजमेंट से ही डिसिप्लिन जैसे कॉन्सेप्ट आए यदि क्लासरूम मैनेज ना हो तो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा और फिर नॉन प्रोडक्टिव क्लास हो जाएगा अच्छा तो हमारे हायर एजुकेशन में यूजीसी ने इतने सारे पैसे लेक्चरर प्रोफेसर को देती है और हम कुछ प्रोडक्टिव वे में आउटकम ना दे पाएं तो सारा बेकार हो जाएगा इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट की आवश्यकता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि हम बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ हायर एजुकेशन में इंटरेक्शंस करें तो इंटरेक्शंस तभी हो सकता है जब क्लासरूम आपका मैनेज हो यदि क्लासरूम मैनेज ना हो तो इंटरेक्शन की समस्या आती है और स्टूडेंट और टीचर के बीच जो कॉन्सिस्टेंसी है वो कॉन्सिस्टेंसी यानी स्थिरता नहीं रह पाती है टीचर्स क्या कहना चाहता है स्टूडेंट क्या ग्रास्प किया है ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब क्लासरूम मैनेज हो इसलिए हायर एजुकेशन में भी क्लासरूम मैनेजमेंट की आवश्यकता है अच्छा तो यहीं पर आपने बहुत अच्छे से समझाया लेकिन यहीं पर एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि यदि हम ले भाषा में समझना हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता अगर हम एकदम ले तरीके से जाने हम कुछ नहीं जानते हैं तो वो क्या होता है वाकई में देखिए जब हम क्लासरूम की बात करते हैं मैनेजमेंट की तो ये डायरेक्टली स्किल से जुड़ा होता है अच्छा ये टीचर का स्किल है क्लासरूम मैनेजमेंट कि टीचर के पास कैसा स्किल है वो कैसी टेक्निक रखता है अपने पास जिससे कि अटेंटिव वे में स्टूडेंट्स उसको सुन सके क्लास को इंजॉय कर सके यदि अटेंटिव वे में वो सुन नहीं पा रहा है इसका मतलब क्लासरूम मैनेज नहीं है तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक स्किल्स कह सकते हैं या आप एक टेक्निक कह सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के थॉट फीलिंग्स बिहेवियर को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जगह रखना और उसको एक्सप्लेन करना जिससे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन हो वो बेहतर कम्युनिकेशन हो यही क्लासरूम मैनेजमेंट है नहीं तो हमारा एक घंटे का समय बर्बाद हो जाता है क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होता है तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन का या इनपुट का आदान प्रदान क्लासरूम मैनेजमेंट के थ्रू होता है नहीं तो फिर इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होना चाहिए उचित रूप में वह हम क्लास में नहीं दे वो, पाए वो, वो नहीं हो पाता और और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ यह है कि विदाउट डिस्रप्टिव बिहेवियर माने बिना बाधा के कोई भी लेसन या कोई भी पाठ हाँ। स्मूथली रन कर रहा है तो यह क्लासरूम मैनेजमेंट का बात तो वो क्लासरूम क्लासरूम जिसमें कि लर्निंग भी हो पार्टिसिपेशन भी हो और इंगेजमेंट भी हो अच्छा मतलब वो अगर ये तीनों चीजें मिली हो तो हाँ, करके वो क्लासरूम मैनेजमेंट क्ला, हाँ उसको आपका अच्छा इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण डोमेन कौन कौन से है और अगर ये देखा जाए कि इसका कुछ प्रभाव होता हो तो वही जो तीन चीज आपने बताया वही है या और भी है वो डोमेन नहीं है यहाँ डोमेन थोड़ा सा अलग है इससे हालांकि हा, हा, आपने बड़ा एकदम डीपली प्रश्न किया है क्लासरूम मैनेजमेंट में कौन कौन से डोमेन है डोमेन मैंने हम जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए हम कौन-कौन चीजों को इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल करते हैं। ए, ए डोमेन में आता है, जैसे लर्निंग मटेरियल्स है यह काफी सपोर्ट करता है अच्छा हायर एजुकेशन में लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चों को लर्निंग मटेरियल दिया जाए पर बड़े बच्चों को भी लर्निंग मटेरियल देना चाहिए, चाहिए। जिससे की क्लास मैनेज रहे क्लास और रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन टीचर्स किस तरह का इंस्ट्रक्शन देता है यदि टीचर अच्छे से इंस्ट्रक्शन देता है जो स्टूडेंट को एक्सेस हो रीचिंग हो स्टूडेंट के पास स्टूडेंट उसको कम से कम ग्रास्प कर ले तो वह आपका क्लासरूम मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट डोमेन इंस्ट्रक्शन है अच्छा। केवल लेक्चर देना महत्वपूर्ण नहीं है अच्छा। कुछ आप इनोवेटिव उसको चीजों को परोसिए अच्छा तब आपका इंपॉर्टेंस होता है इंस्ट्रक्शन में हुँ। और तीसरी चीज है टाइम ड्यूरेशन अच्छा। क्लास का टाइम ड्यूरेशन भी डोमेन में आता है बहुत जगह 40 मिनट का भी क्लास देते हैं पर हायर एजुकेशन में यदि आप इंटेंसिव नॉलेज देना चाहते हैं या एक्सटेंसिव नॉलेज देना चाहते हैं तो कम से कम एक घंटे का समय जरूर देना चाहिए जिसमें आप पीपीटी भी यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड भी यूज करते हैं बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम ड्यूरेशन लेआउट लोग कहते हैं कि ये को एजुकेशन को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेआउट में आता है लेआउट में आता है कि क्लास कौन साइज हो क्लास बहुत बिखरा बिखरा रहता है तो उसमें टीचर्स अटेंटिव होकर बच्चों को देख नहीं पाते हैं टीचर को स्टैंडिंग वे में चीजों को बोलना चाहिए जैसे आप और हम आज बातचीत कर रहे हैं

बच्चों के अचीवमेंट से रिलेटेड हैं क्योंकि यदि हम अचीवमेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहें तो बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखना ये ये क्लासरूम के डोमेन्स में आते हैं मैनेजमेंट के बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हुँ. कोई भी लेक्चरर प्रोफेसर ध्यान नहीं दे पाता है अच्छा। पर यह कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करता है प्रभावित तो इसलिए ये भी इसी से आदतें बनती है यदि बिहेवियर बच्चों का स्टूडेंट का सही है तो ये लाइफ लॉन्ग तक जाती है ये सारे इंपॉर्टेंट उसके डोमेन है अच्छा सर मन में एक सवाल यहीं पर यह आता है कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों और उनकी योग्यताओं को क्या आप किस तरह से प्रभावित करते हैं क्या करते हैं उनका हाँ थोड़ा सा डोमेन से कंपोनेंट अलग है हाँ

फर्स्ट डे ही बच्चों को क्लासरूम नॉर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर दें जिससे कि बच्चों में एक तरह का डिसिप्लिन बना रहे और बच्चे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते रहें फॉलो करने से ये होगा कि वो उसकी जो बिहेवियरल कमजोरियां हैं वहाँ पर दूर हो जाएंगी क्योंकि उसको नॉर्म्स में ही बंध कर रहना है और एक तरह से कौन कौन से नॉर्म्स हैं कैसी बाउंड्री है टीचर्स को ये कहना कि आप काइंड ऑलवेज ट्राई टू योर बेस्ट इस तरह के एक नॉर्म बनाइए और इसमें टीचर को कैसे रिस्पेक्ट देना है अपने पीयर ग्रुप्स या अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे आप बातचीत करेंगे कौन कौन से इस तरह से एब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये तमाम चीज़ों को हम रूल्स रेगुलेशन में रख सकते हैं टाइम से आना ये भी रूल्स रेगुलेशन है तो ये फर्स्ट आपका कॉम्पोनेंट है सेकंड कंपोनेंट है डिसिप्लिन का जो पहले भी मैं बता चुका हूँ डिसिप्लिन के बारे में तो डिसिप्लिन क्या करता है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशन है इसकी प्रैक्टिस करता है यदि इस तरह के रूल रेगुलेशन की प्रैक्टिस आप कराएंगे तो वही डिसिप्लिन का काम करता है और इसी से बच्चों में स्टूडेंट्स में एक सक्सेस मिलता है क्योंकि डिसिप्लिन जो होते हैं उसमें एक गोल ओरिएंटेशन आता है अच्छा यदि आप डिसिप्लिन वे में कहीं अपने को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गोल ओरिएंटेड नहीं गोल ओरिएंटेड नहीं यदि डिसिप्लिन वे में कहीं जा रहे हैं कहीं बातचीत कर रहे हैं क्लासरूम में बैठ रहे हैं तो गोल ओरिएंटेड है कंट्रोल वे में व्यवहार करते हैं बच्चे सेल्फ कंट्रोल होता है उसमें पेशेंस होता है यानी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है अच्छा। और तमाम तरह की जो मॉरल वैल्यूज है जो नैतिक मूल्य है वो नैतिक मूल्य भी डिसिप्लिन से ही आते हैं हाँ। और इसी से एक हेल्दी हैबिट जो है हाँ। वो हेल्दी हैबिट जो कंस्ट्रक्ट होती है और इसके अलावा भी और दो तीन कंपोनेंट है जो हमारी एक ब्रेन की ट्रेनिंग है ट्रेन। हाँ, हाँ, ट्रेन। मतलब ट्रेन हाँ, तो स्टूडेंट्स को बताना कि आप अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव वे में ट्रेनिंग दें जिससे कि आपकी हैबिट सही रहे और इमोशन को रेगुलेट करें रेगुलेट करें यदि टीचर्स कुछ बोल रहा है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया न व्यक्त करें बल्कि अपने को पेशेंस वे में बात करें तो ये इमोशन रेगुलेशन कहलाता है तो निगेटिव इमोशन को आप फिल्टर करें और पॉजिटिव इमोशंस को लाएं तो ये सारे आपके डोमेन्स है क्या बोलते हैं कॉम्पोनेट्स है कॉम्पोनेट इन कॉम्पोनेंट्स के अलावा हाँ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है टीचर और स्टूडेंट के बीच किस तरह के रिलेशनशिप हैं यदि पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है और उससे एक ट्रस्ट बनती है एक बिलीव सिस्टम बनता है और कम से कम दोनों के बीच एक रिस्पेक्ट बनता है और इससे स्टूडेंट के ट्रेड्स और पर्सनालिटी को हम लोग इन्स कर सकते हैं और क्लासरूम है। को मैनेज कर सकते हैं तो रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके डिटर्मिनाट्स में एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू थिंग्स आते हैं अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है स्ट्रेस रिड्यूसर होता है यदि हमारे और आपके बीच संबंध अच्छे हों तो हमको कोई तनाव नहीं होता कोई तनाव नहीं उसी तरह से यदि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच रिलेशनशिप अच्छे हों तो उनको कोई तनाव नहीं उनको पढ़ाई का बोझ नहीं मालूम है एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तुरंत आ जाएगी तो क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखता है माइंडसेट भी मायने रखता है अच्छा माइंडसेट आप किस माइंडसेट के हैं हाँ। आपका मेंटल सेट कैसा है तमाम तो तरह के मेंटल सेट होते हैं हाँ। एक होता है ग्रोइंग मेंटल सेट जो हमेशा ग्रोथ की बात करता है ये इंटेलिजेंस हमारी इन्वॉर्व नहीं है इंटेलिजेंस हम इन्वॉर्मेंट से भी अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते है, हैं।, हैं तो इस तरह की बच्चों में देना, क्लासरूम मैनेजमेंट हाँ, तो ये, मतलब ये जी, जी। हाँ, हाँ। की शुरुआत कैसे करनी चाहिए जो बहुत ही प्रभावशाली हो अच्छे तरीके से कर सके क्या इन्हीं सब में सम्मिलित है या इसके लिए भी कुछ अलग से कुछ कर सकते हैं हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि अदर चीजों को लाना उसमें हाँ। जैसे कि कि शुरुआत ऐसा क्लासरूम मैनेजमेंट का जो आपको लगे फर्स्ट टाइम में ही कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ रहा है इफेक्टिव तो है हाँ। इसके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन हाँ। कहा जाता है ना कि टीचर जब क्लासरूम में गया, गया तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है कैसा। वो अपने को इंट्रोड्यूस कैसा कर रहा है बिल्कुल ठीक बात है बहुत सारे लोग अपने को इतना हाईफाई इंट्रोड्यूस करते हैं और इतना ईगो के साथ करते हैं कि वो भी बच्चों में अच्छा इंप्रेशन नहीं आता नहीं जाता है। है। तो ऐसा आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए टीचर्स जो अपने विदाउट ईगो का सिंप्लिसिटी के साथ बहुत सिंपल भी नहीं होना है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हो और बहुत ही अच्छे वे में हो ये इंफॉर्मेशन की बात है पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को आपको रिलैक्स कर देना चाहिए अच्छा रिलैक्स मतलब जिसको कहते हैं ना हाँ, कि ए, एक आ, एक दोस्ताना अंदाज हो जाए आइस ब्रेकर ही तो उसको बोलते हैं हाँ दोस्ताना, आएस दोस्ताना आएस हो जाएगा आए, आए, तो बच्चे या स्टूडेंट्स आपको प्रश्न पूछने से हिचकिचाते नहीं घबराएंगे नहीं हिचकिचाएंगे मैंने वरी नहीं होगा उसमें विदाउट एनी हेजिटेशन चीजों को पूछ सकते हैं तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है उसके बाद स्टूडेंट को एंगेज करना आप क्लास में जाते हैं तो आप कुछ बच्चों को भी इंगेज कीजिए नहीं एंगेज करेंगे तो उनका माइंड जो है ना इधर उधर मन का स्वभाव हमारा क्या है मन का स्वभाव है ट्रेवल करना न, मन तो हमेशा ट्रेवल करता है ना अंतर यात्राएं होती हैं मन की तो उसको मन को रोकना है आपको तो कुछ इंगेज कीजिए स्टूडेंट को कैसे आप इंगेज कर रहे हैं सिलेबस को आप रिव्यू कीजिए क्लास में ही सिलेबस को रिव्यू कीजिए लर्निंग आउटकम पर ध्यान देना जो बच्चे सीखे हैं उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, हाँ। और लेट आने वाले बच्चों पर हाँ। यूज कर सकते हैं आप हाँ, हाँ। जिससे कि थोड़ा इफेक्टिव इंटरेस्टिंग क्लास बने डेली हाँ। इंटरेक्शन जरूर करना चाहिए डिस्कशन करना चाहिए कुछ बीच बीच में इस तरह के अप करना चाहिए और आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कुछ टीचर्स में यह आदत होती है कि कुछ सिलेक्टेड बच्चों के साथ आई कांटेक्ट करते हैं पक्की ये ठीक नहीं है आई कांटेक्ट आपको मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ करना चाहिए नहीं तो जो स्टूडेंट के साथ आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं उनमें इन्फेरियरिटी फीलिंग आएगी उनको लगेगा कि हम डिटैच हो गए हैं टीचर से मतलब इसमें एक आ, इसमें एक किस्सा बता दें कि जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट कॉलेज में तो हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे वो इतने नॉलेजफुल थे वो टीचर कि वो टीचरों को ये कहा जाता था कि ये टीचरों के टीचर है ये अन्यापकों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चों में आगे की रो में जो दो, दो लड़का तीन लड़का तीन बैठा है उसी को वो खाली कंटेक्ट करते थे और उनका पढ़ाया हुआ इतना हम लोगों को ऊपर से निकलता था धीरे धीरे पीछे से लड़के क्लास से बाहर हो जाते थे और वो उन्हीं दो लड़कों पर फोकस रहते थे तो ये नहीं तो हो अच्छा आउटपुट नहीं मिला मिला यदि हम पूरे क्लास के आउटपुट लेना चाहें हाँ। तो सारे बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए जिससे कि की लगे कि अटैचमेंट सारे बच्चों के साथ सारे थे थे। बच्चों के लिए स्टूडेंट्स टीचर के लिए सब बराबर होते हैं इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे आपके मैनेजमेंट के तरीके हैं जो अलग से हैं अच्छा लेकिन इसमें एक चीज और आता है कि जो क्लास का जो एनवायरमेंट जो होता है उसको भी कभी कभी तोड़ने के लिए या बाधा पहुंचाने के लिए कुछ स्टूडेंट होते हैं उनकी कैसे पहचान की जाए और उन्हें कैसे हैंडल किया जाए क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट हाँ ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है डिस्ट्रैक्शन का कि बाधा पहुंचाने वाले स्टूडेंट को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंग्नाइज करें पहले पहचान करें तब उसका सोल्यूशन उसका सोल्यूशन करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट में जो दिक्कतें आती हैं उसमें सबसे अहम रोल डिस्ट्रैक्टर का ही होता है कुछ ऐसे गिने चुने बिहेवियरल प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट होते हैं एक दो चीजें जो हम कहते हैं ना कि कंडक्ट डिसऑर्डर कंडक्ट मीन्स मतलब हम नियम कानून को नहीं माने ऐसे कुछ स्टूडेंट है होते हैं कंडक्ट डिस्टर वाले जो कि आपके नॉर्म को तोड़ते हैं हमेशा नॉर्म को तोड़ेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले होते हैं एग्रेसिव स्टूडेंट है होते हैं आप कुछ कहिए तो तुरंत एग्रेशन में दिखाते हैं और झुझलाहट जैसा ये चीज़ों को दिखाते हैं टीचर्स को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थ्रेट्स देते हैं अच्छा टीचर को भी थ्रेट्स देते हैं ये भी बाधा पहुंचाने वाले ही हैं और टीचर्स के साथ साथ अपने क्लास के जो क्लासमेट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्लासरूम में ही बाधा पहुंचाते हैं बाधा जिससे कि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है फिजिकल वायलेंस भी क्लासरूम में हो जाते हैं तमाम तरह के ऐसे डिस्ट्रैक्टर हैं ऐसे स्टूडेंट को पहले तो टीचर्स को ज़्यादा वैल्यू न दें पर उसका रिकॉग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी पहचान बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर्स को एक्टिव रहना पड़ेगा एक्टिव रहना पड़े। बिना एक्टिव हुए ऐसे बच्चे पहचान में नहीं आएंगे बिना और... आई आए कांटेक्ट के भी नहीं पहचान हाँ। आएंगे बिना उनको एक दूसरे ऐसे बच्चों से क्लासरूम में प्रेजेंटेशन जरूर कराएं कराएं जरूर, कर क्योंकि क्लासरूम में जब ऐसे बच्चे प्रेजेंट करेंगे तो चूंकि उनकी पढ़ाई पर ध्यान कम होती है तो अपने को इन्फेरियर महसूस करेंगे, करेंगे। और फ्यूचर में उनको लगेगा कि हमको भी पढ़ना पढ़ना पढ़ चाहिए, चाहिए।, चाहिए। इसलिए कि दूसरे बच्चों के ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनसे कुछ ना कुछ करवाइए एक्टिविटी कराइए उनसे परफॉर्मेंस लीजिए तब से वो अगर ना कर पाए तो डिमोरलाइज हो सही बात है और मिसबिवियर कहां से आ रहा है उसके बेसिक रूट को हम जाने की मिसबिहेवियर का क्या कारण है।, है उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखें उसके पहले के कुछ रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं टीचर्स की काउंसलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती important है होती बच्चों है। के साथ तो उसकी एक आपको प्लानिंग करनी चाहिए हर एक टीचर को एक प्लानिंग करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ डीलिंग कैसे किया जाए कैसे जब आपे से बाहर हो तो टीचर्स को अपने कलीग की भी सहायता लेनी चाहिए बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हम अपने साथियों नहीं कहेंगे नहीं तो हमारे टीचर्स कहेंगे कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है पर बेझिझक अपने साथियों को हेल्प लेना चाहिए टीचर्स को और ऐसे बिहेवियर का डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना चाहिए अच्छा, कि, हाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है इसलिए कि आप हायर एजुकेशन में हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें ऐसा ऐसा होता होता क्यों है है अजय जी इसलिए ना कि बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे नहीं। 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 हाँ। बच्चे अकेले जाते हैं तो बड़े सीधे होते हैं और चार लोगों के ग्रुप माइंड सिंगल माइंड काम नहीं करता है तो ग्रुप माइंड उसके ग्रुप को थोड़ा सा तोड़िए थोड़ा ब्रेक कीजिए क्लासरूम को क्लासरूम में ऐसे बच्चों को एलूफ कीजिए हाँ। अकेला कीजिएगा ना हाँ। तो ऐसे बच्चों में ये सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है पर टीचर्स को कभी भी हायर एजुकेशन में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, करना चाहिए बहुत डांट कर भी नहीं एसर्टिव वे में कम्युनिकेशन करनी चाहिए यदि हम एसर्टिव वे में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी टोन बोलने का जो टोन है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरह का टोन होता है उसी तरह का इमोशनल एक्सप्रेशन होता है तो इन सारी चीजों को ध्यान देंगे तो हम ऐसे मिसबिहेवियर करने वाले डिस्ट्रैक्टिव स्टूडेंट के एटीट्यूड को सुधार सकते हैं सुधार सकते हैं उन्हें पहचान सकते पहचान सकते हैं, हैं।, हैं। अच्छा अब ये तो आपने इतना बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को बताया और एलिब्रेट किया लेकिन अभी भी मतलब इच्छा नहीं होती है तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट की कुछ आधुनिक टेक्निक क्या है नई टेक्निक ऐसी क्या है कुछ उसमें भी कुछ आई है क्या आई हाँ नई टेक्निक में ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम क्लास लिए क्लास लेकर चले आए स्टूडेंट्स के पास क्या एबिलिटी मिली या ना मिली हमसे कोई लेना देना नहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए नई टेक्निक ये कहती है कि आप सारे स्टूडेंट को एक्सपोज कीजिए अच्छा दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर टेक्निक अच्छा आप जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा अच्छा तो आप एक्सपोजर टेक्निक रोल प्लेइंग टेक्निक कोई रोल दीजिए उसको जो उसके इंटरेस्ट का हो जब अपने रोल में वो अच्छा से प्ले करेगा तो यानी उसके पास एबिलिटी है बिल्कुल बस उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगा डायरेक्शन नहीं मिलता तो रोल प्लेइंग टेक्निक से कराइए स्पीकिंग क्लास में हमेशा किसी न किसी चीज पर किसी किसी टॉपिक पर जो ओपन एंडेड हो आ, उसका कोई सीमा ना हो सीमा उस पर डिस्कशन कराइए उस पर प्रेजेंटेशन कराइए एक स्पीकिंग प्रैक्टिस जरूर कराना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अच्छा आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अटेंशन सिकिंग है वो बार बार अपने को ही प्रस्तुत करते हैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछिए कि वो तो हाथ उठाएंगे तुरंत आए या ना नाय हाँ। तो अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट को ही बार-बार मौका नहीं, नहीं देना चाहिए ये टीचर के ऊपर डिपेंड है कि टीचर कैसे स्क्रीन आउट करता है क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्लास में ही क्वेश्चन आंसर कीजिए एग्जाम में तो बाद में करेंगे ही पर क्लास में क्वेश्चन आंसर जरूर करना चाहिए क्लास को छोटे-छोटे ग्रुप में आप बांटिए अच्छा। और दोनों के बीच कंपटीशन कराइए इस कंपटीशन से ये होगा कि बच्चों का मोटिवेशन लेवल ज्यादा होगा और आपस में वो एक हेल्दी कंपटीशन करेंगे जो कि एकेडमिक कंपटीशन होगा अच्छा। इसमें क्लास में ही उनको कोई ना कोई अवार्ड दीजिए अवार्ड दीजिए मोटिवेशन के लिए अवार्ड्स देना बहुत जरूरी एक है।, है एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बहुत अच्छी टेक्निक है क्लासरूम टेक्निक अच्छा क्लासरूम टेक्निक ये कह रही है हाँ। कि आप वीकली एक इंटरव्यू लीजिए अच्छा बच्चों से वीकली आप एक इंटरव्यू लीजिए और उस इंटरव्यू में उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर पूछिए अच्छा जब आपको उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को पूछेंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं और ये पूछिए कि तुम अपने अपने को पांच साल में कहा पा रहे हो, हो। या फ्यूचर में आपका क्या इरादा क्या है इरादा आपका गोल है। क्या है आपके कौन कौन से एस्पिरेशन लेवल हैं ये सारी चीजें उसके एस्पिरेशन लेवल को बढ़ाएगा और पावर ऑफ टुगेदरनेस एक टीम फीलिंग उसमें ऊपर की अच्छा। other, हाँ, कहा गया है ना? हाँ, हाँ। एक दूसरे के बिना हम लोग है, है नहीं आज देखिए हम लोग बातचीत करते कर रहे अकेले हम क्या कर सकते अकेले नहीं कर सकते अकेले केवल मुस्कुरा सकते हैं पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते टीम टीम वर्क वर्क है तो टीम वर्क का जज्बा और अपनी फीलिंग को शेयर करना सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि आप अपनी फीलिंग को टीचर के साथ शेयर कीजिए ये नई टेक्निक है और कोई बोरिंग क्लास ना हो टीचर्स को चाहिए कि कुछ कहानियां कुछ इस तरह के रियल एग्जाम्पल क्लास में पेश करें जिससे बच्चों में अटेंशन बना रहे और ये बहुत

सर लेकिन इसमें एक 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 चीज़ और है यहाँ पूछना चाहते हैं कि इतना सब चीज़ तो है लेकिन स्टूडेंट में जो एक सकारात्मक विचार कैसे हो जिससे कि क्लासरूम मैनेजमेंट हो सके क्योंकि बच्चों के अंदर भी तो एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए ना वो बात क्या सही है? कर रहे हैं देखिए विचार से ही सारी चीज़ आते हैं हमारे जब विचार आते हैं तो हमारी फीलिंग भी होती है उसी से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है उसी से हमारी हैबिट बनती है और उसी से हमारे एक्टिविटी और बिहेवियर होते हैं तो पहले बच्चों के स्टूडेंट्स के विचारों को जाने कि क्या क्या उसमें विचार हैं यदि वो हमेशा बातचीत में निगेटिविटी ही दर्शा रहा है तो इसका मतलब वह अपने फ्यूचर को बहुत लो समझ रहा है तो ऐसे बच्चों को पहचान करके हमेशा उसको एक सेपिंग करना चाहिए टीचर्स का क्या काम है कि यदि उसके अंदर हमेशा लो मूड रहता है तो ऐसे बच्चों के अंदर एक सकारात्मक विचार डाले तो सकारात्मक विचार किस तरह का हो सकारात्मक विचार उसके लक्ष्यों से हो जो उसके गोल से रिलेटेड हो उसको कहना चाहिए कि आप कैपेबल हो आप चीजों को कर सके कर सकते हो हाँ। यानी उठ सको तो उठो अपने कद से ऊपर ऐसा कहा गया है हाँ। कि उठ सको तो, तो, तो उठो तो अपने कद कद के ऊपर आरजू की सतह पर अर्मा के ऊपर क्या बात इस तरह से अरमा को छूकर आरजू के ऊपर से उठो और झुक सको तो झुको अहंकार के नीचे क्या बात है भूत के आगे भविष्य के पीछे बहुत बड़ी बात है तो इस तरह से काम कहना हो तो कहो सच दिल से ये हाँ। बहुत सारे बच्चे झूठ भी बोलते हैं हाँ, हाँ। तो कहना है तो कहो सच दिल से न बैसाखी की भावों से न सहारा शब्दों की क्या बात है दिल से कहना है हाँ। और बुन सको तो बुनो ख्वाब हकीकत से जब भी ख्वाब बुनिए तो हकीकत से ही बुनने का प्रयास कीजिए कुछ पसीनों से कुछ परिश्रम से और लास्ट लाइन में कहना चाहता हूं पॉजिटिव थॉट के लिए कि और भेद भेद सको तो भेद दो अंधकार को जैसे उजाला निकलता है सुराग से क्या बात है मतलब बहुत बड़ी बात आपने जी जी कि मतलब अगर इसको ये कह सकते हैं कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो दिन में खुली आंखों से सपने देखिए और सकारात्मक तरीके से चीजों को अगर आप देखेंगे तो मंजिल आपको मिल सकती है तो ये जो आज प्राचार्य जो है प्रोफेसर सत्यगोपाल जी से जो हम लोगों ने ये क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में जाना बातें तो भी और भी बहुत सी हैं चीज़ें और भी बहुत सी हैं लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि ये टीचर के लिए हो सकती है या अध्यापक के लिए इसे आपको लगता होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके लिए ये बातचीत की गई है लेकिन अगर हमने जो समझा ले मैन तरीके से ये कलेक्टिव है ये स्टूडेंट के लिए वो उतनी ही ज़रूरी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि वो क्लासरूम में अपने टीचर को किन नज़रियों से देखता है अगर उसको कुछ गड़बड़ी नज़र आती है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ के अपने टीचर से मिले घुले मिले और उस टीचर के साथ भी करे ये वाइसी वर्षा संबंध है क्लासरूम मैनेजमेंट का क्यों प्रचार इसमें इसमें वो भी चीज़ें हैं तो ये जितना टीचरों के लिए है उतना ही स्टूडेंट के लिए भी है आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना ही हम फिर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डी ए वी पी जी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको नए सब्जेक्टों के साथ पूरे विश्लेषण के साथ मिलेंगे जिसमें हम बार बार यही कहते हैं कि विषय वही है विशेष पढ़ाई नहीं है यानी पूरे विश्लेषण के साथ तो आप हमारे साथ बने रहिए जुड़े रहिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए सब्सक्राइब करिए और इसे देखते रहिए धन्यवाद अगर छूट गई हो क्लास तो भी मत होइए निराश अब आपकी पढ़ाई नहीं रहेगी अधूरी ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस करेंगी पूरी डीएवी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विषय विशे वही विशेष पढ़ाई नहीं पूरे विश्लेषण के साथ तो जुड़िए हमारे साथ